कर्रा क्षेत्र में जंगली हाथी और भालुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आए दिन जंगली हाथी और भालू लोगों की जान ले रहे हैं और जख्मी कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह 7:30 बजे कर्रा पंचायत के गटके गांव निवासी दंपति उर्सला तिर्की और कुंवर तिर्की को 2 जंगली भालुओं ने बुरी तरह घायल कर दिया है। घायलों को ग्रामीणों ने कर्रा के सरकारी अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया गया कि कुंवर तिर्की दंपति गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे अपने खेतों के पानी को रोकने के लिए मेड़ बांधने गए थे। इसी बीच अचानक जंगल से 2 जंगली भालू निकलकर आए और पत्नी उर्सला तिर्की के ऊपर हमला किया। यह देख पत्नी के बचाव में पति आगे बढ़ा ही था कि जंगली भालू ने कुंवर तिर्की पर भी हमला कर दिया। जब कुंवर जमीन पर गिर पड़े तब दोनों भालू वापस जंगलों में चले गए। घायल अवस्था में ही पति ने घायल पत्नी को उठाकर खेत से बाहर लाकर लेटाने के बाद गांव आकर घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को दिया, जिसके बाद गांव के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद मुखिया रश्मि लकड़ा, प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष मकसूद अंसारी, फॉरेस्टर शशि भूषण सहाय समेत अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। फॉरेस्टर ने घायल कुंवर तिर्की के पुत्र अथवा तिर्की को 10,000 रुपए मुआवजा के तौर पर दिया। मुखिया ने घायल दंपति के घर एक बोरा चावल भिजवाया। घायल दंपति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।